चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। मोलैलिटी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स, यहां भी हमारे पास बच्चों वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये बिल्कुल सेम हो गया, बट यहां डिफरेंस किस में है, तो किस में प्रेजेंट होता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल यहां पे हमारे पास जो जो बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, पहले तो हम मोल लिख लेते हैं। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करना। हमें पता है कि मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल एम से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, तो स्मॉल एम से, मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से। तो यहां पे हमारे पास स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा बच्चों, यहां पे हमारे पास आपको पता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्या आ गया बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हम खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में बच्चों, तो केजी में। ये किस में होगा बच्चों, तो केजी में होगा। अब इसको हमें केजी में, केजी से हमें इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। सेम 1 kg में बच्चों कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो सेम यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो एम इज इकल टू स्मॉल एम क्या होता है, तो मोलैलिटी इज इकल टू मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये 1000 इसके अपॉन में जाता और अपॉन के ऊपर फिर ये हमारे पास ऊपर आ जाता है। तो ये सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो इसकी और डिटेल में बता दूंगा, आप कमेंट डाउन कर सकते हो।